इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। खटीक समाज राष्ट्रीय संगठन के बैनर तले आज मंगलवार को खटीक समाज ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट की मनमानी को लेकर ज्ञापन सौंपा। महाकालेश्वर मंदिर में ट्रस्टी द्वारा विगत 4 वर्षों से खटीक समाज की महिलाओं को पूजन व जल चढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। ट्रस्ट द्वारा समाज की महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और साथ ही महिलाओं से बदसलूकी की जाती है। ट्रस्ट द्वारा अन्य भक्तों से रुपए लेकर पूजन व जल चढ़वाया जाता है। हमारे समाज की महिलाओं द्वारा पूजन व जल चढ़ाने की बात करने पर हमें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। ट्रस्ट को मोटी राशि दूसरे भक्तों द्वारा देने पर ही अनुष्ठान पूजन करने की स्वीकृति दी जाती है, जबकि हमारे समाज की महिलाओं व भक्तों को नीची जाति का बताकर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से वंचित किया जा रहा है। मेरा नाम है, मैं कंटिन्यू वहाँ से जाती हूँ। तो 4 साल से इन्होंने बोल रखा है कि कोरोना है, कोरोना कहकर इन्होंने मंदिर बंद कर दिया। उसके बाद हमने भी सहयोग किया क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। उसके बाद 20 दिन 25 दिन करते करते इन्होंने कोई लिखित सूचना नहीं दी और कोरोना करके मंदिर बंद कर रखा है। उसके बाद मैंने इन्हें चंद्रशेखर जी को पर्सनली जाके बोला कि सर आप ऐसा क्या कर रहे हो, क्या हमारी कास्ट पर्टिकुलर हमारी कास्ट के साथ ऐसा कर रहे हो आप कि आप आपके अंदर से ऐसी सूचना मिली गई है हमें कि खटीक समाज ज़्यादा आने लग गया महाकाल मंदिर, इसलिए हमने बंद किया। उसके बाद बोले कि नहीं नहीं हमने तो बंद कर दिया। मैंने कहा सर हमारा वैशाख महीना चल रहा है, वैशाख महीना हमारे लिए बहुत पवित्र है, हमें जल चढ़ाने की परमिशन वैशाख महीने में दी है। तो उन्होंने नहीं दी। उसके बाद मैं एक दिन मंदिर गई तो वहाँ चाबी लगी हुई थी महाकाल मंदिर में, तो चाबी लगी तो मैंने जैसे दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अंदर से पंडित आता है दौड़ के और मेरे से चाबी छीन लेता है और उस छीना झपटी में मेरे हाथ पर लग जाती है। तो भी उन्हें इतना सा भी एहसास नहीं हुआ कि एक महिला के हाथ पे लग चुकी है। तो हम अब तो ये नियम बदले कि इनके चाबी खोलने कम से कम मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने की परमिशन दी जाए। उसके बाद आते जाते लोगों से ये कहलवाया जाता है कि हम मंदिर में अंदर होते हैं और बोलते हैं कि ये तो है तो खटीक और जल चढ़ाने की परमिशन मांग रहे हैं अंदर सती सावित्री बन के। इनके हस्बैंड वगैरह ये लोग तो ऐसे काम करते हैं, कटिंग का काम करते हैं, मुर्गा मछलियों का काम करते हैं और ये लोगों को सती सावित्री बनकर जल चढ़ाना है। मैं जय निमावत खटीक समाज राष्ट्र संगठन का संस्थापक और मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश जी बागड़ी और हमारी पूरी टीम खटीक समाज राष्ट्र संगठन की आज हमारे साथ खटीक समाज के साथ इतना निंदनीय एक विषय आया है कि हमारी माताएं बहनें महाकालेश्वर मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भोलेनाथ पर जाती है तो उनको खटीक समाज कहकर उनको बाहर निकाल दिया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। तो हमारे पास हमारी बहनों ने एप्लीकेशन दी है कि आज हमें यहाँ पर भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं दिया जाता है। तो खटीक समाज ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया या खटीक समाज को क्या वापिस आप नीची जाति समझ रहे हैं या क्या बात समझ रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं मंदिर और भगवान सभी के हैं। हिंदू धर्म में भगवान और महाकालेश्वर सभी भगवान हिंदुओं के हैं और हिंदू सब हैं। यहाँ पर जातियां बिखरी हुई है वो कोई बात नहीं है, लेकिन आप विशेष खटीक जाति पर आपने उंगली उठाई और खटीक जाति की महिलाओं को जल अर्पित नहीं करने देने पर आज ये प्रदर्शन करा गया है, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है और एसपी साहब को और एडीएम सिटी साहब को दिया गया है, जिसमें हमारी मांग यही है कि हमारे समाज की महिलाओं को महाकालेश्वर मंदिर में जाकर जल चढ़ाने की अनुमति दी जाए, एक समय निर्धारित करा जाए, अगर ऐसा हो तो आरती से पहले कोई ऐसा समय निर्धारित कर दे जिसमें हमारी समाज की माताएं बहनें वहां पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने दिया जाए, हमारी यही मांग है। और आज तो ये हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, खटीक समाज राष्ट्र संगठन आज ये शांतिपूर्वक ये हमारी एक बात पहुंचा रहा है प्रशासन के थ्रू, लेकिन हमारी बात अगर आगे नहीं सुनी गई तो आज से कुछ दिनों बाद हम एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और महाकालेश्वर ट्रस्ट की होगी। हम यही हमारी प्रेरणा, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारी समाज की माताओं बहनों को जल अर्पित करने दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। द स्कॉलर्स अरेना, एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग विद 1:35 स्टूडेंट टीचर्स रेशियो।
प्री नर्सरी टू 12th अफिलियेटेड टू CBSE, वेल इक्विप्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to second standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV, well-equipped indoor and outdoor game facility, extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur.